हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल गलत पढ़ा। अरे सर क्या कह रहे हो। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो कि थंबनेल आपने बिल्कुल गलत पढ़ा। कोई डरने की जरूरत नहीं है रूल 88D से, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो भाई। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी जिसमें लिखा हुआ है कि भाई GSTR 3B फाइल करने से पहले इस बार सावधान हो जाना, नहीं तो तुम्हारे को रूल 88D के अंदर नोटिस आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगी। अरे भाई पहले एक बार रूल 88D समझ तो लो, इतना डरे हुए क्यों हो। ऐसा क्या हो गया, तुमने कोई चोरी थोड़ी कर ली, किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया। तो रूल 88D कहता क्या है, जो नया रूल आया है और इस बार की 3B में वो कैसे इंपैक्ट करेगा, इसका पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो बात करते हैं रूल 88D की। भाई ये रूल 88D लाया क्यों गया। भाई रूल 88D लाने का पर्पज ये था कि बहुत सारे लोग अपने 2B से ज्यादा ITC क्लेम कर रहे थे 3B में, और ज्यादातर लोग वो थे जो फेक GST का काम करते थे। तो वो 2B से ज्यादा 3B में ITC क्लेम कर लेते हैं, उनके पास कोई परचेज होती नहीं है, 3B में ITC क्लेम करके करोड़ों रुपए की बिलिंग कर देते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए रूल 88D लाया। तो क्या सर, हम छोटे व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है रूल 88D से। मैंने कहा अगर कोई छोटा व्यापारी सही है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। सर सही कैसे, अब इस बात को समझो। रूल 88D ये कहता है कि जो तुमने 3B में ITC लिया और जो तुम्हारे 2B में ITC आ रहा है, अगर उसमें डिफरेंस हुआ तो हम तुम्हारे को एक इंटीमेशन भेजेंगे DRC 01C में। अब भाई डिफरेंस तो जेन्युइन केस में भी हो सकता है। सर जेन्युइन केस में कैसे हो सकता है डिफरेंस, जरा इसे एग्जाम्पल से समझो। भाई आप इस बात को समझो, हुआ क्या, मैंने 30 जून को चेन्नई से माल मंगाया, मैं दिल्ली में हूं और मैंने चेन्नई से माल मंगाया 30 जून को, तो मेरे को जो बिल मिला वो 30 जून की डेट का मिला। मेरे सप्लायर ने जो अपनी GSTR 1 भरी उसे 30 जून में भरा। अब आप बताओ क्या मैं उसका ITC जून की रिटर्न्स में ले सकता हूँ जुलाई मंथ में। आंसर इज नो, क्योंकि मुझे माल की डिलीवरी मिली 2 जुलाई को। तो जब मुझे माल की डिलीवरी 2 जुलाई को मिली तो मैं इसका ITC जुलाई मंथ की रिटर्न जो अब फाइल करूंगा 20 अगस्त उसमें लूंगा, और जब मैं इसका ITC करंट महीने के रिटर्न में लूंगा तो मेरा जो ITC 3B में होगा वो ज्यादा होगा। किससे किससे ज्यादा होगा भाई, 2B से। तो क्या मुझे भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या मेरे को भी नोटिस आएगा। हाँ इंटीमेशन आएगी, और मेरे को इंटीमेशन क्या आएगी कि भाई प्रियवत्स आपने अपनी 3B में ITC ज्यादा लिया है 2B के कंपैरिजन में, जुलाई मंथ में आप इसे या तो रिवर्स कर दो विद इंटरेस्ट DRC 03 से, या आप हमें कारण बताओ कि तुमने ही ITC ज्यादा क्यों लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं रिवर्स नहीं करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें कारण बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कारण। तो जो जो मेरे कारण होंगे कि भाई ये ITC पिछले महीने का है, ठीक है, इस वजह से मैं करंट महीने में ले रहा हूं, या पोर्टल की गलती की वजह से ले रहा हूं, तो जो भी मेरे रीजंस होंगे वो मैं बताऊंगा। उन रीजंस को बताने के बाद डिपार्टमेंट देखेगा क्या ये रीजन सही है। अगर वो रीजन सही है तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर उसे लगता है कि ये रीजन सही नहीं है या मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तब तो वो मेरे पास सेक्शन 73 और 74 में प्रोसीडिंग करेगा। अब यहां पर एक मुद्दा ये और है कि सर अगर मेरे 2B में ITC आ रहा है 10,000 और मेरा पिछले महीने का ITC 1,000 मैंने नहीं लिया था, मैं 3B में ITC ले लेता हूं 11,000 का, तो क्या डिपार्टमेंट मुझे तब भी परेशान करेगा 1,000 रुपए के लिए। तो भाई डिपार्टमेंट इतना खाली नहीं है कि वो 1,000 रुपए के लिए तुम्हें परेशान करेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट आने वाले कुछ दिनों में आपको एक लिमिट देने वाली है। गवर्नमेंट यहां पर आने वाले दिनों में
आपको एक लिमिट देने वाली है कि भाई अगर आपका डिफरेंस उस लिमिट से ज्यादा हुआ, सर कितनी लिमिट आएगी भाई, मुझे थोड़ी पता है कितनी लिमिट आएगी। हो सकता है 20% की लिमिट आ जाए, हो सकता है 25 लाख रुपए की लिमिट आ जाए, कोई भी जो लिमिट आएगी, जो परसेंटेज आएगी, उससे अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, उससे अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तभी आपके पास इंटीमेशन आएगी, अदरवाइज आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर ये आप कहां से पढ़कर बता रहे हो? अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं है, ये हम अपनी अगस्त महीने की मैगजीन से पढ़कर बता रहे हैं, और अगस्त महीने की मैगजीन पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लिया तो अपनी मैगजीन को सब्सक्राइब करा लो, और अगर तुम्हारी मैगजीन एक्सपायर हो रखी है तो उसे रिन्यू करा लो, और अगर एक्सपायर होने वाली भी है तो भी रिन्यू करा लो, तो भी रिन्यू करा लो, जिससे कि आप डिस्काउंट का बेनिफिट ले। और आपके लिए खुशखबरी है, फ्री कोर्स मांगते हो ना तुम मेरे से, तो फ्री कोर्स हमने अपने जो हमारा ऐप है केजे क्लासेस का प्ले स्टोर पे, अगर आप उसे डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पर फ्री कोर्स मिल जाएगा जीएसटी का, आप उसे आराम से देखो, और अगर तुम्हें वो कोर्स अच्छा लगता है तो आप हमारे पेड कोर्स में आ जाना। इस पेड कोर्स में हम पूरा जीएसटी आपको सिखाते हैं, लाइव आपके सवालों का जवाब देते हैं, और फिर आपको 1 साल तक रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो फ्री लेना है तो फ्री लो, पेड लेना है तो पेड लो, केजे क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको डरना नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।